This is Twitter Dialogues with Uma Bharti, one of the most well-known and one of the most charming faces, I have to say, of the Bharatiya Janata Party. Ma'am, it's always been a pleasure to talk to you. I don't know how many years I've been interview ले रहा हूँ शायद 1992 में शायद शुरू किया था ये ट्विटर डायलॉग है जनता जनार्दन आपके लिए सवाल भेज रही है ट्विटर पर ट्वीट कर रही है और आस्क उमा अगर आपको भी सवाल पूछने हैं आस्क उमा हैशटैग से आप प्लीज सवाल भेजिए उमा जी तक पहुंचाएंगे उमा जी पर पहले शुरुआत करते हैं इन चुनाव की आपको क्या लगता है हालात कैसे हैं उत्तर प्रदेश में देश में किस किस्म के आंकड़े आपको लगते हैं हमें बिल्कुल 2014 से बेहतर लग रहा है उसका कारण है कि हमने ठीक से काम कर लिया और जो विपक्ष के लोग हैं हमारे अपोजिशन के चाहे वो कांग्रेस हो लेफ्ट हो सोशलिस्ट हो उनके अलग अलग घटक हैं ये लोग हमें सिर्फ गालियां देते रहे हैं इनने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कही जो गंभीर है इशू बेस्ड है इसके कारण विपक्ष के खिलाफ ही माहौल बना है ज़्यादा विपक्ष के खिलाफ ज़्यादा है हमसे ज़्यादा उनके खिलाफ माहौल है पर इस बार तो कांग्रेस कहेगी कि देखिए मैनिफेस्टो में हमने काफ़ी ये प्रपोजल्स रखे हैं एजुकेशन बढ़ाना चाहिए हेल्थ बढ़ाना चाहिए न्याय की बात करी है जहाँ तक कि भाजपा अभी राष्ट्रवाद की बात कर रही है और यू नो पाकिस्तान की बात कर रही है और हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का ये कहना है मैनिफेस्टो का उस पार्टी का भरोसा होता है जो पहली बार चुनाव के मैदान में होती है कांग्रेस के तो मैनिफेस्टो उनका अपना चरित्र रहा है जब वो सरकार में रहे हैं कांग्रेस को तो बहुत शांति के साथ नरसिंह राव जी को 5 साल मिले मनमोहन सिंह जी को 10 साल मिले इंदिरा जी को मिला खूब लंबा समय मिला राजीव जी को मिला उस समय ये लोग कुछ कर नहीं सके राजीव जी ने विकास की बात कही भारत को 21वीं सदी में ले जाने की बात कही अंत में शाहबानों का जब मसला आया तो आप देखिए कैसे उन्होंने पलटी मारी मतलब देश को सीधे वो 17वीं सदी में ले गए तो इसलिए ऐसी स्थिति में कांग्रेस के मैनिफेस्टो का लोग भरोसा नहीं करेंगे ना कांग्रेस का असली मैनिफेस्टो तो लगभग उनका 50 साल से ज़्यादा का रूल है जो लोगों ने देख लिया है पर हो सकता है वो कहेंगे नए लीडर हैं और वैसे कांग्रेस की ही बात नहीं है कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर एक सीट में अगर अपोजिशन का कैंडिडेट खड़ा होगा एक कैंडिडेट और अपोजिशन एक तरफ से अगर यूनाइटेड होकर भाजपा से लड़ेगी जो शायद हो रहा है वेस्ट बंगाल में आपकी लड़ाई ममता बनर्जी से है यहाँ उत्तर प्रदेश में आपकी लड़ाई सपा बसपा से है तो उस किस्म का यानी कि कांग्रेस ही एक चैलेंजर नहीं है आपको कई रीजनल चैलेंजर्स का भी सामना करना पड़ रहा है उसमें से कईयों के लिए तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत है जैसे ममता बनर्जी के लिए है चंद्रबाबू नायडू जी के लिए है यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सपा और बसपा का गठबंधन है उनका वोटर ही एक दूसरे से दुश्मनी माने हुए है क्योंकि 95 का जो केस हुआ तब से लेकर के आज तक दोनों ने एक दूसरे को गाली दी है तो नेता भले ही मिलके एक हो जाए नीचे वर्कर में इतनी फाइट हो गई है उनकी कम्युनिटीज़ के झगड़े हो गए हैं और वो झगड़े इतने गहरे हो गए हैं कि जहाँ बसपा को टिकट मिलेगा वहाँ हमें वोट मिलेगा और जहाँ सपा को टिकट मिलेगा वहाँ बसपा का वोट हमें मिलेगा तो इसलिए उसका भी कोई लाभ उनको नहीं होने वाला उस गठबंधन का लाभ हमी को ज़्यादा मिलने वाला है ये अलग लड़ते तो हमें ज़्यादा नुकसान कर सकते थे पर जो कुछ हद तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रही हैं कि कुछ हद तक अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएं खासतौर से या शहरों में भी जाएं तो अलायंस अभी काम कर रही है खासतौर से जो रैली हुई थी अभी उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा सपा और बसपा के लोग शायद समर्थन कर रहे हैं एक दूसरे का हाँ कुछ और सवाल भी है कि कांग्रेस का वोट काटेगी कि नहीं काटेगी ये कौन कह रहा है आपको क्योंकि मैं तो ना घूमते हैं आप लोग नहीं घूमते हो विक्रम आप लोगों ने घूमना बंद कर दिया है आप लोग एसी कमरे नहीं छोड़ रहे हो आप एक सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल्स को ही अप्रोच कर रहे हो आप नीचे जा कर के देखो कोई तैयार नहीं सपा वाला बसपा को वोट नहीं देगा बसपा वाला सपा को वोट नहीं देगा मायावती भले ही मुलायम सिंह के पास बैठ जाए लेकिन सपा और बसपा एक दूसरे के साथ जो वोटर है ना वो नहीं बैठेगा आप नीचे जाके देखो गाँव में चुपचाप तब पता लगेगा आपको अच्छा उमा जी बहुत सारे सवाल आने लगे हैं ट्विटर पर तो मैं आपको पेश करूँगा अच्छा काफ़ी सवाल हैं जो गंगा को लेकर आ रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि जो सारा जो चंदा इकट्ठा जो अलॉट हुआ था नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए कैसे खर्च हो रहा है आपको क्या लगता है गंगा किस हद तक साफ हुई है और आगे क्या करने की ज़रूरत है नमामि गंगे में ये जो जीवन बेनी ने पूछा है फिरोज अहमद ने पूछा है उनकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ कि जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो क्लीन इंडिया कोष में इकट्ठा हुआ है गंगा के लिए अलग से कोष नहीं बनाया गया और उसके वित्त मंत्री जी अध्यक्ष हैं लेकिन हमें उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो 20,000 करोड़ की फंडिंग हुई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसकी ईएफसी हुई जिसका कैबिनेट में अप्रूवल हुआ वही हमारे लिए पर्याप्त है हमें केंद्र सरकार ने ही पर्याप्त कोष दिया है उसकी हमने ठीक से प्लानिंग करी उसकी टेंडरिंग भी हो गई और बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने वाटर सेक्टर में पहली बार हुआ है जब हमने
हाइब्रिड एन्युटी में टेंडर किए हैं, पेमेंट का जो नया फाइनेंशियल मोड है अब, जिसमें कि जिम्मेवारी भी उस व्यक्ति को लेनी पड़ेगी और 15 साल तक पेमेंट होगा या 20 साल तक उसका पेमेंट होगा, एक साथ पेमेंट नहीं होगा, वो बना के नहीं भाग सकता। ये तो हुआ निर्मलता के लिए। अविरलता के लिए भी जब नीरी की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट के आधार पर हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें हमने ये लिया कि इकोलॉजिकल फ्लो के बिना हम किसी भी डैम का अप्रूवल नहीं देंगे गंगा पर। यानी कोई भी डैम बने हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एक पेरेंडल फ्लो जो है वो इकोलॉजिकल फ्लो जो है, ई फ्लो जिसको हम कहते हैं, वो रहना पड़ेगा। वो ये धीरे धीरे सब नदियों पर लागू हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि मैंने बिल्कुल ठीक से, मुझे बड़ा अच्छा सवाल लगा कि उन्होंने गंगा से। नहीं तो दो चार और सवाल आ रहे हैं, मैं आप तक पेश करता हूँ। उदित तिवारी का एक सवाल आया है कि अनट्रीटेड वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज द मेजर कॉज ऑफ गंगा पोल्यूशन, व्हाई इज दिस स्टिल कंटिन्यूइंग, कि जो सीवेज अभी भी गंगा में जा रहा है उसको क्यों नहीं ट्रीट किया जा पा रहा है। अभी दुनिया का सबसे गंदा नाला 160 MLD का वो नाला था शीशामऊ कानपुर का। मैं उनकी बात अभी सही है कि अभी भी जा रहे हैं, कुछ नालों की गंदगी जा रही है, लेकिन मैं उनको ये बता रही हूँ कि मैं निराश नहीं हुई, क्योंकि उस नाले की टेंडरिंग की प्रक्रिया हमने 2016 में शुरू करी और 2018 दिसंबर में मैंने उस नाले को खुद बंद देखा, जिसको मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी और जो कानपुर के लिए सबसे बड़ी गंदगी का कारण था। इसका मतलब है कि जो प्रक्रिया हमने अडॉप्ट की है नालों को बंद करने की, वो सक्सेसफुल रहेगी। उनका सवाल बिल्कुल ठीक है, कई नाले मैंने अभी भी चलते हुए देखे हैं, लेकिन यानी कि बंद होने का क्रम चालू हो गया, वो 1984 से आज तक नहीं हो पाया था। एक और यश शर्मा ने एक बहुत अजीब किस्म का शायद सवाल भेजा है कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर गंगा स्वच्छ नहीं होती तो ये आप प्राण त्याग देंगी, क्या आपने कहा था कभी ऐसा? हाँ। और क्या अभी भी उस पर नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि मैंने जो टाइम लाइन दी थी उस टाइम लाइन में शीशामऊ नाला बंद हो गया। अच्छा, तो जो आपने नाले की बात करी थी, मैंने ये कही थी कि गंगा की गंदगी हमें बंद करनी है, और ये बात शुरू हुई थी कि इन्होंने कहा, राहुल गांधी ने बनारस में 2017 के विधानसभा के चुनाव में, कि गंगा अभी तक मैली है। तो हमने कहा ठीक है, अगर हमने 18 अक्टूबर तक नाले बंद नहीं कर पाए तो हम कूद जाएंगे, और हमने बंद कर दिया तो आप कूद जाइएगा गंगा जी में। और अंत में मैंने नाला बंद देखा तो मैंने तो इन्वाइट किया राहुल जी को, अखिलेश को, कि अब आइए आप लोग कूदने के लिए। अच्छा, ये एक सवाल आया है फिर से उदित तिवारी का ही सवाल है कि आपने ये क्यों फैसला किया कि आप लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लेंगी? आपने क्या एक तरह से पॉलिटिकल लाइफ से त्याग कर दिया है, क्या आप सोच रहे हैं? नहीं, मैं उदित को बताऊं, और उदित बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे उनका दो दो जवाब देने का बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। क्या है उदित भैया, ये मीडिया वाले हैं ना, आधी बात बताते ही नहीं है। मैंने शुरू से ही कहा कि मैं 2019 का चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन अगला चुनाव लड़ूंगी। अभी 75 का होने में मुझे 17 साल बाकी हैं, तो अभी तो मैं कम से कम 3 चुनाव और लड़ने वाली हूँ। तो 2024 का लड़ूंगी, 2029 का लड़ूंगी, 2033 का लड़ूंगी, अभी तो बहुत चुनाव लड़ूंगी। ये वाला इसलिए नहीं लड़ पा रही हूँ क्योंकि मुझे गंगा जी के काम में यात्रा करनी है, तीर्थ यात्रा नहीं। लोगों की मुख्य जिम्मेवारी है, गंगा जो है ना वो सरकार की निकाली हुई नहर नहीं है, ये एक वो धारा है जो लोगों ने अपने प्रयास से बचा करके रखी है। एक भागीरथ नाम का व्यक्ति लाखों साल पहले जिस धारा को ले आया, वो धारा लाखों साल ठीक रही, अभी 100-150 साल में ही खराब हो गई ना। वो क्यों खराब हो गई? क्योंकि उसमें कुछ सरकार की गलतियां हुई, जो भी सरकारें थी, पहले ब्रिटिश थी फिर हमारी आई, और कुछ समाज की हो गई। अब सरकार ने अपनी गलती ठीक कर दी, मोदी जी ने फंडिंग दे दी, हमने फंडिंग की ठीक से प्लानिंग कर दी, आगे नितिन जी ने और अच्छा, अब रह गई समाज की जिम्मेवारी, वो बिना तपस्या के नहीं होगी। तो इसलिए ये जो 2100 किलोमीटर आना हरिद्वार से गंगा सागर और वापस लौटना, क्योंकि ऊपर पहाड़ पर तो मैं पैदल नहीं चल पाऊंगी, वाहन से चलूंगी, ये 4000 किलोमीटर की यात्रा है, 1.5 साल में मेरा पूरा हो जाना है। तो ये जैसे कि कार्तिक का भी एक सवाल है, तो ये तो कहीं नहीं है कि आपको भी मार्गदर्शन मंथन में भेजा जाए? नहीं, मैं तो अभी मार्गदर्शन प्राप्त करती रहूंगी। नहीं, और उन्होंने ये भी सवाल पूछा है कि लग रहा है कि अडवाणी जी जैसे, मुरली मनोहर जी जोशी जैसे, काफी जो आपके बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनको क्या कुछ हद तक साइडलाइन किया गया है क्या? नहीं, वो बहुत बड़े लोग हैं, उनको कोई साइडलाइन नहीं कर सकता है। उन्होंने पार्टी बनाई है, मुरली मनोहर जोशी जी हमारे संघर्ष के दिनों में पार्टी के अध्यक्ष बने, अडवाणी जी ने तो जितनी कठिन यात्राएं की हैं पूरे देश में, और वो तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वयं कहा कि अटल जी प्रधानमंत्री होंगे 95 में घोषणा की, जबकि पीपल वर एक्सपेक्टिंग की इट इज़ अडवाणी जी विल बी द प्राइम मिनिस्टर, बट ही चेंज द होल सीन व्हेन ही अनाउंस्ड इट। तो इसलिए ये तो कहीं बात है ही नहीं। बाकी वो चुनाव नहीं लड़ रहे, वो क्या हुआ इस पर हम कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं, हमारी हैसियत नहीं उस पर, अडवाणी जी को ही बोलना है।
जोशी जी को ही बोलना, हमें नहीं बोलना। But you don't think anybody is being sidelined इनका जो सवाल? No, I don't believe in this. वो लोग कैसे sidelined हो सकते हैं? और मेरे भैया, मुझे तो मार्गदर्शन मिलेगा अभी इन लोगों का जो मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं इन लोगों से इतनी छोटी हूँ कि ये मार्गदर्शक मंडल में शामिल होकर मेरा मार्गदर्शन करेंगे अभी 10-15 साल बाद। अच्छा, ये अरित्या आर्यन का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत बार मैं सवाल देख रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं कि आपने खुद चुनाव आप लड़ी थी जब आप शायद 25 साल की थी, क्या आपको लगता है कि यूथ को और आना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि यूथ एक तरफ से अभी भी साइडलाइन हो रहे हैं। मैं 27 में पहली बार एमपी बनी हूँ, थोड़ा करेक्ट करती हूँ, 25 में नहीं, आई वाज 27 व्हेन आई बिकेम फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जब मैं मिनिस्टर बनी तो आई वाज 36, और जब चीफ मिनिस्टर बनी तो आई वाज 42, तो मैं ठीक ठीक बड़ी हो गई थी। लेकिन ये सही है कि यूथ को आना चाहिए, क्योंकि जब मैं उस समय जैसी थी ना, अब मैं वैसी नहीं हूँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं अंतर बताती हूँ, पहले मेरे मन में ये रहता था कि ये मैं पहले कर लूँगी जो मेरे को सामने है, फिर आगे का बाद में देखेंगे, तो हिसाब किताब ज़्यादा नहीं लगाती थी। अब मैं बहुत हिसाब किताब लगाती हूँ, कैलकुलेटिव हो गई हूँ, तो इसलिए जो यंगस्टर्स होते हैं वो कुछ डिसीजन ऐसे लेते हैं जो मैं अब नहीं लूँगी व्हेन आई एम 59, बट आई कुड टेक द सेम डिसीजन व्हेन आई वाज 39। फिर आपको क्यों लगता है यंगस्टर्स और पॉलिटिक्स में आ क्यों नहीं रहे? उसका कारण अभी भी ये है कि उनको लगता है कि भाई जब तक 50-60 साल के हैं तब तक हमें रुकना पड़ेगा, फिर ही हमारी कोई हैसियत होगी। उस नहीं नहीं अभी तो बहुत आ रहे हैं हमारे यहाँ, जो बहुत सारे जो अभी पिछले 2014 में भी हमारे पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जवान लोग थे। आपको अगर शाहनवाज हुसैन की उम्र याद हो तो 32 साल की उम्र में वो कैबिनेट मिनिस्टर हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें, अब बहुत जवान चेहरे आकर के बैठ गए थे। अनुप्रिया पटेल जो अपना दल से थी वो मिनिस्टर बनी थी, बहुत छोटी उम्र की है, ऐसे तो बहुत लोग आकर के बैठ गए हैं। हाँ, वो क्या होता है कि चर्चा होते होते थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं इसको मानती हूँ, आज मैं एडमिट करूंगी ऑन रिकॉर्ड कि आप 27 साल की उम्र में, 38 साल की उम्र में जो डिसीजन लेते हैं आप उतने कैलकुलेटिव नहीं होते, आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप अपने इशू के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जब इस उम्र में आप आ जाते हैं तो आप बड़े कैलकुलेटिव हो जाते हैं, बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हो जाते हैं, जो कि मैं पहले नहीं थी। पर ये नहीं आपको लगता कि अगर आप वर्ल्ड को देखेंगे तो कई लोग हैं, मैक्रों हैं, बहुत से लोग हैं जो बहुत, जस्टिन ट्रूडो हैं, बराक ओबामा, काफ़ी यंग एज पे वो बन गए थे प्रधानमंत्री, बन गए, प्रेसिडेंट बन गए थे। हाँ, हमारे यहाँ राजीव गांधी बने हैं, हम क्यों राजीव गांधी की अनदेखी करते हैं? वो बहुत छोटी उम्र के थे जब वो भारत का, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री बने थे, जो इतना विशाल और व्यापक है और इतनी विविधता के साथ जो बना हुआ देश है, इसमें बहुत छोटा आदमी प्रधानमंत्री बने, छोटा मतलब छोटी उम्र का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुका है। ऐसा नहीं, हमारे देश में कई लोग, हमारी अभी कैबिनेट में भी बहुत यंग लोग थे, कैबिनेट के अंदर मोदी जी की कैबिनेट में बहुत यंग लोग थे। ठीक है, एक जे रामकृष्ण का सवाल आया है जो शायद एक्सपेक्टेड ही होना चाहिए था। व्हाट इज योर व्यू ऑन साध्वी प्रज्ञा'स कैंडिडेचर? कुछ भी नहीं, भोपाल एक ऐसी सीट है कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी किसी भी उम्मीदवार को खड़ा कर देगी, हम चुनाव जीतेंगे। और दूसरा क्या हो गया कि भोपाल सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, दिग्विजय सिंह के तो इतना स्ट्रोंगली खिलाफ है कि उनको हारना ही है वहाँ से। साध्वी जी जेल से निकल कर के आई हैं, उन्हें परेशानियाँ हुई हैं, वो पहले विद्यार्थी परिषद में थी और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान में भाग लेती थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई, उस कार्यकर्ता की हैसियत से उनको टिकट मिला, उसमें गलत क्या है? मुझे कुछ साध्वी जी का टिकट मिलना गलत लगी नहीं रहा है मुझे। पर वो जिस किस्म के बयान उसके बाद आए थे उन्होंने, हेमंत करकरे के बारे में जो बयान दिए थे, आपको लगते हैं वो सही थे? जो राहुल गांधी के बयान थे वो क्या सही थे? पूरे दुनिया के सामने उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मुझे राहुल गांधी से बेहतर तो साध्वी प्रज्ञा लग रही हैं बोलने में, इसलिए आलोचना करने वालों को दोनों को देखना पड़ेगा। मैं दोनों को, मैं दो गलतियां मिला के एक सही नहीं होता, ये मैं आपको बताऊं। दो लोगों ने गलती की है, राहुल ने करी है तो प्रज्ञा सही हो जाएंगी, ऐसा नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि वो महिला जिस दौर से गुजरी, उस दौर में आवेश में जुमलेबाजी नहीं की उन्होंने, इमोशनल होकर के निकल गया, उन्हें स्वीकार कर लिया, उस पर अपना बयान वापस ले लिया। अब जब उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो दूसरा जो सवाल उठा है कि उन्होंने जैसे कि ये बाबरी कहा था कि जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था तो वहाँ थी, उन्होंने भाग लिया था, ये सवाल आपसे भी कई बार पूछा गया क्योंकि उस दिन आप भी थी 6 दिसंबर को, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे पता नहीं है, क्योंकि क्या हुआ कि हम लोग ढांचे के पास नहीं थे, हम लोग वहाँ से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पे थे ना, एक मंच बना हुआ था, मानस का मंच बोलते हैं, हम लोग उसके ऊपर बैठे हुए थे और हमारे से ढांचा बहुत दूर था, तो वहाँ कुछ लोग ढांचे के ऊपर गए थे और उन लोगों ने उसको तोड़ा है। तो साध्वी जी ने जो कहा है उसका जवाब साध्वी जी को ही देना पड़ेगा, मेरे को उसकी ठीक से जानकारी पास पे नहीं थी। ना ना, मैं तो नहीं, ये तो सबको पता है कि मैं नहीं थी। अच्छा, ये बताइए राम मंदिर को लेकर मेरे तरफ से सवाल है कि जो बात छाई चल रही थी कि कुछ फैसला आ सकता है, ऑर्डिनेंस आ सकता है या कुछ कोर्ट कहेगी चुनाव के पहले, बात चलती रहेगी आगे, पर क्या आपको लगता है कि एक तरह से वो मौका हाथ से गुजर गया है कि कुछ राम मंदिर पे किया जा सकता था? तो आपने बहुत अच्छा किया ये सवाल करके, क्या विक्रम की
क्या होता है कि हर एक आदमी के मन में एक इशू होता है. मेरे मन में इशू क्या था, लड़ाई. आप लड़ाई का मेन पॉइंट याद करो, लड़ाई की आत्मा क्या थी. लड़ाई की आत्मा ये थी कि हमें ये कहा जाता था कि राम यहाँ पैदा नहीं हुए, आप साबित करो कि राम जन्मभूमि है कि नहीं. जो सितंबर 2010 में जो फैसला आया है, तीन जजेस की बेंच ने जो फैसला दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिसमें कुछ चीज़ों पे उनके डिस्प्यूट थे, बट इनडिस्प्यूटेडली तीनों जजेस ने ये कहा कि बीच की जगह रामलला की है. और आज भी जब कोर्ट में हियरिंग हो रही है तो रामलला विराजमान का एक वकील वहाँ पर मौजूद होता है. उसमें जो चैलेंज हुआ है वो ये हुआ है कि वर्तमान में मालिकाना हक किसका है. चैलेंज ये बिल्कुल नहीं हुआ है कि वो बीच की जगह रामलला की है कि नहीं. तो एक्चुअली हमारा जो आंदोलन था, जो शायद बाबर के ही समय से रहा और लगभग सितंबर 2010 तक रहा, वो तो इसी के लिए था कि यहाँ राम पैदा हुए थे. तो मैं तो संतुष्ट हूँ. अब बात रह गई है एक भव्य मंदिर के निर्माण की. तो उस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए या तो कोर्ट का फैसला आएगा, और इसका इट इज़ ए डिस्प्यूट ऑफ लैंड. तो डिस्प्यूट ऑफ लैंड का तो नेचर ऐसा होता है कि यू कैन सेटल इट आउटसाइड द कोर्ट एंड कम बैक टू द कोर्ट विद द सेटलमेंट. अच्छा, तो ये जो आप कह रही है, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है रणदीप सिंह से. You were known for your firebrand style of politics earlier, but now you seem to have mellowed down a lot. Has it been a conscious effort from your side or just a natural transition? कि अब firebrand अब नहीं है उतनी. नहीं, क्या हुआ कि इशू ही ऐसा था, गंगा का था, और गंगा में लड़ाई नहीं है, गंगा में टकराव नहीं है, गंगा में सभी राजनीतिक दल सहमत हैं कि गंगा का काम ठीक होना चाहिए. पर क्या अभी भी firebrand अब है कि नहीं है उतनी? नहीं, जब firebrand का इशू आएगा तो आग जल पड़ेगी. अभी आग की जरूरत नहीं है, अभी तो पानी छोड़ने की जरूरत, वाटर ब्रांड हो गई हूँ. फायर ब्रांड से वाटर ब्रांड, दैट्स अ इंटरेस्टिंग लाइन. और एज लॉन्ग एज यू आर अ ब्रांड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ द अदर, दैट इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग. अच्छा, अब आप मान लीजिए फायर ब्रांड नहीं है, आप वाटर ब्रांड है. अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए, उमा जी अब आप कुछ ऐसा सुझाव बताइए अयोध्या को लेके, राम मंदिर को लेके, जिससे सब लोग खुश हो जाएं, कुछ और दिक्कत की बात नहीं आए, टकराव की बात नहीं आए, किसी ना किसी तरह का एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन निकले, जो चाहे सुप्रीम कोर्ट भी चाह रही है मीडिएशन हो, जिससे सब अब खुश होके आगे बढ़ सके. क्या सोल्यूशन होगा? पहले आप मेरे इस चार्ज को स्वीकार करिए कि राम मंदिर को चुनाव में इशू आप लोग बनाते हैं. आप लोग हम पे आरोप मत लगाइएगा फिर, ये तब मैं इसका अब मैं इसका जवाब शुरू करूंगी. क्योंकि विक्रम, आपने मुझसे राम मंदिर, मैंने सवाल पूछा, आपने सवाल किया, ठीक है. सो इट इज इशू फॉर यू. हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो डेवलपमेंट के ही एजेंडा पे रहे. राम मंदिर तो हमारे लिए जीवन और मरण का सवाल है. आपने कहा है, सो मैं जवाब दे रही हूँ. जवाब ये कि वहाँ रामलला पर मैं भी एक एक्चुअली कंसेंसस के का सवाल पूछ रहा हूँ, पॉलिटिकल इशू के नहीं, इलेक्टोरल इशू के नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उसके बारे में जानती हैं. अगर नॉन कॉन्ट्रोवर्शली, नॉन पॉलिटिकली चुनाव के बाद, कभी भी, एक साल बाद, छः महीने बाद, दो साल बाद, अगर कोई आपसे पूछे उमा जी आप सोल्यूशन बताइए जिससे सब खुश हो जाएं, फिर कोई उसमें पॉलिटिकल बात ही नहीं रहेगी. हमने उसको करने की कोशिश की थी. ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं. शाहनवाज हुसैन की और मेरी बात हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे. उस समय पर अटल जी ने हम लोगों को, और उसमें अरुण जेटली जी भी थे, वो उसकी वैधानिकता देख रहे थे. शाहनवाज जी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बात करें, मैं हिंदू कम्युनिटी विश्व हिंदू परिषद से बात करूं, वो सब लोग मिलकर के राम मंदिर के लिए वैसे ही तैयार हो जाएं जैसे कि सोमनाथ का फैसला हुआ. ये आराम से हो सकता है. बस इसमें कांग्रेस से, और कांग्रेस से ज़्यादा वामपंथियों को दूर रहना. वामपंथियों की संख्या कम हो गई लेकिन उनका पॉइजन कम नहीं हुआ है. जहरीले बहुत हैं वो, इसलिए अगर वो माहौल ख़राब ना करें तो बड़ी शांति से वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो जाना है. क्योंकि मुसलमानों के लिए इट इज़ नॉट ए प्लेस ऑफ फेथ. वहाँ उनका कोई पैगंबर या पीर का बनाया हुआ कोई स्थान नहीं. एक भारत के बाहर का हमलावर आया, बाबर तो हमलावर ही है ना, उसके बाद के मुगल डायनेस्टी है जो भारत में सेटल हुई है, बाबर बाजन इन्वेडर, और उसने अपना एक स्मारक बना दिया वहाँ उसको तोड़ करके. उससे किसी को लगाव नहीं है. ये तो हमारे देश के हिंदू नेता हैं जो दूसरी पार्टियों में हैं और वो इसका मजा लेते हैं, लड़ाई करवाने का, झगड़ा करवाने का. मैं मुस्लिम कम्युनिटी को बिल्कुल दोषी नहीं मानती हूँ. मैं तो मानती हूँ कि हिंदू और मुसलमान मिलकर एक हो सकते हैं, बस थोड़े जहरीले सांप उनसे दूर रहें. क्या आपको लगता है कि इन चुनाव में, जैसे कि 2014 में बहुत साफ अच्छे दिन की बात हुई थी, सबका साथ सबका विकास की बात हुई थी, कुछ लोगों को लग रहा है कि इस इलेक्शन में थोड़ा ज़्यादा पोलराइजेशन है, थोड़ा ज़्यादा हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है. अब इसका मैं ये भी मानूंगा कि टेलीविजन न्यूज़ पर भी उसका काफ़ी असर है, क्योंकि टीवी न्यूज़ भी टीआरपी के लिए ये सब उछालते रहते हैं. पर क्या आपको लगता है कि ज़्यादा कुछ कम्युनल इश्यूज़ और पोलराइजेशन के इश्यूज़ इस चुनाव में चल रहे हैं? इसकी शुरुआत असल में हुई जब घटनाएं हुई कई राज्यों में और जिम्मेवार मोदी जी को माना गया. मतलब आप ये देखिए कि सेम पित्रौदा ने क्या बोला, उसके लिए राहुल को हमने नहीं कहा ना कि आप जवाब दीजिए. मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला, राहुल ने कहा उनकी निजी राय है. लेकिन भारत में उन राज्यों में घटनाएं हुई जहां हमारी सरकारें नहीं थी, कर्नाटक में हुई और पानसरे की हुई, कलबुर्गी की हुई, चरकी दादरी की घटना हुई,
लेकिन जवाब मोदी जी से मांगा गया, इसलिए इन्होंने माहौल पहले से खराब कर दिया। तो ये चुनाव में ना वो सब चीज़ें उफान पे आनी थी, जैसे गन्ने का रस जब गर्म होता है ना तो धीरे धीरे गंदगी ऊपर आने लग जाती है, तो चुनाव में ये चीज़ें ऊपर आनी ही थी। मैं अकेले मीडिया को दोषी नहीं ठहराऊंगी, नेता बातें ही ऐसी बोल रहे हैं, मैं क्यों, मीडिया तो फिर उसका मजा लेगा ना, इसलिए वो ले रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे, जब नेता उन चीज़ों के मजे ले रहे हैं बोल बोल करके, कोई कुछ भी बोले जा रहा है। मैंने तो पहली बार इस प्रकार का देखा है साहब, जो रामपुर में घटना हुई है, एक दूसरे के बारे में जो बयानबाजी हुई है वो अच्छी नहीं हुई है, और जैसी बातों के आधार पर कभी भी किसी को कुछ भी हो जाता है, ये तो पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं इसके लिए मीडिया को जिम्मेवार नहीं बताऊँ, मैं इसको पॉलिटिशियंस को ही जिम्मेवार मानूंगी। यहाँ एक दो और जो सवाल आ रहे हैं, अगर आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे ऑन द ग्राउंड जो स्कीम्स हैं वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, जो किसान की डिस्ट्रेस, फार्मर्स डिस्ट्रेस, ये सब की जो बातें चल रही हैं खासतौर से रूरल एरियाज में, क्या आपको लगता है वही सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है? उत्तर प्रदेश में पहली बार इतना काम हुआ है। मैं अपना उदाहरण बताती हूँ, मेरी जो झांसी लोकसभा सीट है वहाँ पर ही लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है झांसी लोकसभा सीट के ऊपर। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि डिफेंस कॉरिडोर का हेडक्वार्टर झांसी हो जाएगा। पूरे बुंदेलखंड के लिए ड्रिंकिंग वाटर का पैकेज हुआ है 9,000 करोड़ का, मतलब ऐसी घटनाएं वहाँ, इंडिया वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अब वहाँ पर बन रहा है। इसलिए इतना तो डेवलपमेंट का काम कभी हुआ नहीं, वो भी योगी जैसे व्यक्ति के द्वारा। जो अखिलेश और मायावती अपने आप को बड़ा मॉडर्न और बड़े एंटी रिलीजन मानते, ये नोएडा जाने की हिम्मत नहीं करते थे, नोएडा जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर चली जाएगी। योगी 3 बार गए सीना तान के, कुछ भी नहीं हुआ, बने रहे जीव के त्यों। इसका मतलब है कि हम विश्वास मानते हैं, अंधविश्वास नहीं मानते, और हम डेवलपमेंट को मानते हैं। अगर आप गौ रक्षा की बात करें, ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि गौ रक्षा एक हद तक तो ठीक है, पर यहाँ जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कई किसान कंप्लेन कर रहे हैं कि जो गाय हैं उनके लिए गौशाला नहीं है, तो गाय आ रही हैं उनके फसल को नष्ट कर रही हैं, तो इस पर बिल्कुल ठीक है, गायों से बहुत नुकसान हो रहा है। उनको अन्ना पशु कहते हैं, यानी अनाथ। लोगों ने क्या किया है कि कैटल। जी जी जी, जो दूध नहीं दे रही वो गायें छोड़ दी, या मेल जो काफ होता है वो छोड़ दिया, अब वो सड़कों पर फैल रहे हैं सब तरफ, झुंड के झुंड घुस जाते हैं और सीधे फसल चर देते हैं, किसान आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाते हैं, 10-10 एकड़ की फसल खा जाती है। इसलिए योगी जी ने गौशालाओं के लिए पैसे देने शुरू किए। खुद मेरे यहाँ पर जब तक मैं वहाँ सांसद थी तब तक लगभग 1,00,000 गायों के लिए हमने व्यवस्था कर ली थी, लेकिन गायें बहुत बड़ी संख्या में पूरे बुंदेलखंड में और सब पूरे तरफ उत्तर प्रदेश में फैली हुई, गौवंश पूरा फैला हुआ है। लेकिन अब चूंकि आपने सवाल किया है और हम जिस तरह से चल रहे हैं, छोटे जवाबों का समय है हमारा और आपका, अन्यथा गौ की रक्षा गौशालाओं से नहीं हो सकती। गौ की जो रक्षा होगी वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी से होगी, जिसमें कि गौवंश का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और उसमें जो सुभाष पालेकर हैं महाराष्ट्र की, उनकी जो जीरो बजटिंग खेती का जो कॉन्सेप्ट चल पड़ा है अब, जिसको नीति आयोग ने भी बहुत प्रशंसा की है, जब तक गाय किसान के लिए उपयोगी पशु साबित नहीं होगा, गाय हमारे लिए समस्या बनती जाएगी। अकेले गौवंश की हत्या रोक देने से काम नहीं चलेगा। पर ये जो कुछ इंसिडेंट्स हुई थी, जैसे कि जो गौ रक्षक हैं उनके डर से भी, तो यानी कि मान लीजिए कोई गाय नेचुरल कॉजेज से भी मर जाती है, ये भी हमने कई कहानियाँ सुनी है, लोग उसके पास जाने से डरते हैं आजकल, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाएगा, गौ रक्षक आ सकते हैं हम पर इल्ज़ाम उठा सकते हैं, तो कुछ हद तक ये जो पूरी जो इकोनॉमी थी वो थोड़ी हद तक डिस्टर्ब हो गई है पिछले। नहीं नहीं, जब मोदी जी ने जोर से इस पर बयान दिया, अगर आपको याद हो, होम मिनिस्ट्री के द्वारा एडवाइजरी जारी हुई कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें धंधा करने लगे हैं इस प्रकार का, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल ठीक से सेटल हो गई। और योगी जी ने जब हर जिले में गौशालाओं का कॉन्सेप्ट शुरू किया, लेकिन गौशालाएँ जो थीं वो अद्भुत गौशालाएँ हैं, वो गऊ से ही चलने वाली गौशालाएँ हैं, कि गाय से ही फिर उसको चलाओ आगे। तो इसलिए उसके बाद काफ़ी मामला ठीक हो गया। शुरू में तो आप जो कह रहे हैं वो बाकी समस्या आई थी, इतनी बड़ी समस्या आई थी कि लोग डर गए थे, वो सामान्य व्यक्ति भी, हिंदू भी, मुसलमान तो बेचारा डर ही गया था, हिंदू भी गाय बेचने जा रहे कहीं ले जा रहे तो डर जाते, लोगों ने डरा रखा था। लेकिन योगी जी ने, मोदी जी ने उस मामले को ठीक कर दिया। फिर ठीक कर दिया कि अभी भी है कुछ? नहीं, अब नहीं। अच्छा, आखिरी दो सवाल, एक आपके झांसी क्षेत्र पर सवाल आया है कि आप वहाँ उम्मीदवार नहीं हैं, अनुराग जी को आपने आगे रखा है, तो आपको क्या लग रहा है, कैसे महसूस हो रहा है अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अनुराग अपना ही एक्सटेंशन लग रहा है, क्योंकि अनुराग भी ऐसा निरपेक्ष व्यक्ति है जिसके लिए राजनीति धंधा नहीं है, कमिटमेंट है, और बड़े कमिटमेंट से वो बुंदेलखंड के डेवलपमेंट के लिए। आपको पता नहीं, अनुराग के पिताजी मेरे को बहुत स्नेह रखते थे, मैं पुत्री जैसी थी उनके लिए, और वो मेरे को हमेशा सिखाते थे बेटा गरीब लोग का ध्यान रखो, बुंदेलखंड के लोगों का ध्यान रखो। तो मुझे तो इतनी खुशी है कि अनुराग आ गए हैं वहाँ पर, तो अनुराग मेरे काम को आगे बढ़ाएंगे और हम अनुराग मिलकर के उनके पिताजी के काम को आगे बढ़ाएंगे, वो है बुंदेलखंड का डेवलपमेंट। अच्छा उमा जी, आखिरी सवाल, अगर आपको
अनुमान लगाना पड़े, अगर आपको फोरकास्ट करना पड़े, अगर एक क्रिस्टल बॉल हो आप उसमें देखना चाहें, आपको एंड में क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी भाजपा को? क्या है, आप ना मेरे से जो सवाल कर रहे हैं उस दृष्टि से मैं बहुत फालतू का इंसान हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हम जिस उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं वो हारने के लिए थोड़ी खड़ा कर रहे हैं, हम तो सारे लोग जीतने के लिए खड़े किए, तो हम तो सारी सीटें जीतेंगे। मैं ऐसा फालतू का उत्तर दूंगी कि आपका स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा, और 23 मई को के बाद प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं? मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है, हम सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे, दूसरा कोई कैसे होगा। और उमा जी क्या करेंगी उसके बाद? बस मैं तो इंतजार कर रही हूँ 7 मई का, गंगोत्री के पट खुलेंगे 7 मई को, मैं 2-3 महीने हिमालय रह करके और फिर गंगा सागर से गंगोत्री और गंगोत्री से गंगा सागर, 1.5 साल लगेगा, बीच में एक गर्मी निकल जाएगी, उसके बाद मैं फिर चुनाव लड़ूंगी, मुझे तो बहुत चुनाव लड़ने हैं अभी। और अगर आपको कोई डेट तय करना है जब आप कह पाएंगे कि हाँ गंगा अब साफ है, गंगा अब स्वच्छ है, कौन सा डेट है? वो डेट है जब मैं कानपुर की गंगा का एक गिलास पानी बिना डरे पी लूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा खराब हालत अगर गंगा की किसी स्ट्रेच में है दैट इज कानपुर, जिसमें सारे प्रकार के पोल्यूशन की पैकेजिंग हो गई है। जिस दिन मैं एक गिलास पानी वहाँ का पी जाऊंगी एंड आई विल नॉट बी स्केयर्ड कि इट कैन हार्म मी, मैं उस दिन डिक्लेयर कर दूंगी गंगा क्लीन हो गई। एंड व्हेन डू यू थिंक दैट इज गोना हैपन? हम सब आके आपके साथ खड़े होंगे उस दिन। हाँ, मुझे पता है, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मीडिया ने, आप लोगों ने, आप जब जिस टीवी चैनल में थे उसमें आप सबने, मेरे उस चैनल ने मेरा बहुत साथ दिया, सभी ने साथ दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो निर्मलता के रिजल्ट हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, एक एक करके नाले बंद होने लग जाएंगे, और उसके बाद अविरलता का भी जो प्रोविजन हो गया है वो दोनों को मिला करके ऐसी स्थिति 1.5-2 साल के बाद बन जाएगी। हम जरूर कानपुर में, मेरी जो बात जो लोग आप पहुंचा रहे हो जिन तक बात, उनको कहिएगा कि कानपुर में जिस दिन मैं एक गिलास पानी पीऊंगी उस दिन मैं बहुत सबको बुलाऊंगी, पूरी दुनिया को मैं डिक्लेयर करूंगी गंगा ठीक हो गई, पीते हुए ही डिक्लेरेशन हो जाएगी। ओके उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात करी, सारी जनता के आपने सवाल लिए, उन सबका जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।